इफ 5 4 pn इक्वल टू में 6 5 pn-1, तो हमें n का वैल्यू निकालना। देखते हैं हम लोग ये काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं 5/6 और इसको इधर भेज देते हैं। इसको सॉल्व करके लिखते हैं 5/5 -n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा ये 4 का फैक्टोरियल y में 4 -1 का फैक्टोरियल। 5/6 इक्वल टू में ध्यान से देखिएगा 5 का फैक्टोरियल y में, यहाँ हो जाएगा आपका 6 - n का फैक्टोरियल और इंटू 4 - n का फैक्टोरियल और y में 4 का फैक्टोरियल। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या करते हैं। 5/6 इक्वल टू में इसे 5 और इंटू में 4 का फैक्टोरियल कर दें, ये भी आपका ग्रेटर है इसे ना, तो एक काम करते हैं 6 - n, 5 - n और फिर आपका 4 - n का फैक्टोरियल और इंटू में यहाँ पे 4 - n का फैक्टोरियल और बाई में 4 का फैक्टोरियल। ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखिए 5 से 5 1 times में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - n इंटू में 5 - n इक्वल टू में 6। तो एक काम करते हैं 6 - n इंटू में 5 - n इक्वल टू में 3 × 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं 6 - n इक्वल टू में 3 और 5 - n इक्वल टू में 2, तो यहाँ से n का वैल्यू 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 ही आएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।